सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होंगे। सो मेरे पास है आपके कमेंट्स, बड़े मतलब अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं और पढ़ के बड़ी खुशी होती है कि भाई आप लोगों का इंगेजमेंट बना हुआ है। और एक चीज़ और रिक्वेस्ट रहेगी भाई, जब लाइव हम आते हैं ना तो आपको अपनी इंगेजमेंट बढ़ाना है, उस टाइम पे आपके प्यार की ज़्यादा जरूरत होती है। तो जब भी कभी लाइव आते हैं तो आप लोग लाइव रहा करें, साथ में उसको इंटरेक्ट करा करें। टेस्ट पेपर अभी आप देख रहे हैं, टेस्ट पेपर एनालिसिस चल रहा है, इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ एमसीक्यूज की सीरीज भी चल रही है। सो इन सभी में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा लंबी हम कोशिश करते हैं 30 मिनट हो मैक्सिमम, उससे फालतू ना हो, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा हो जाता है थोड़ा सा कॉपरेट करने की कोशिश करा करिए, उसको अटेम्प्ट करिए। उसको अटेम्प्ट करेंगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई एक्चुअल में जो है हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से हम पढ़ेंगे कि एग्जाम में हमारे जो है अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। सो दैट्स व्हाई जो है उसमें इंट्रैक्शन अपना बनाए रखिए। सो देखिए, आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई हमें जो है सर की ये जो रिविजन करनी है वो रिविजन किस तरीके से करनी है। हम तो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन रिविजन हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरीके से करें। तो देखो, रिवीजन का ना हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि खाली मैं थ्योरी थ्योरी रिवाइज कर लूं, भाई एक बार फिर से थ्योरी पढ़ लिया, जो भी नोट्स वगैरह लिखवाए थे टीचर्स ने उन नोट्स को एक बार मैं ओवरव्यू कर लूं, मेरा हो गया रिवीजन। कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई नोट्स क्या छोड़ूं, मैं सीधा क्वेश्चन आंसर्स लगा लेता हूं, भाई एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगा लेता हूं, मेरा सब कुछ कवर हो जाएगा। तो भाई मेरा मानना है, मैं जो है भाई ये नहीं कहता दोनों बच्चे गलत हैं, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, अपने दिमाग से कर रहे हैं, लेकिन मेरी राय ये रहती है कि भाई आपको ना एक बार सबसे पहले थियोरी रीड करना चाहिए, जो भी आपने अभी तक नोट्स पढ़ा है, देन उसके बाद क्वेश्चन जरूर लगाना चाहिए 101%। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे ना, तब तक आपको आइडिया नहीं लगता कि आपने जो है पढ़ा क्या था और आना क्या है। क्योंकि देखो भाई, हमने मान लो हमने चीजें सीख लिया, हमने किसी जवान को ट्रेनिंग दे दी, अब ट्रेनिंग दे दी और उसको हमने बॉर्डर पे उतारा ही नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा बॉर्डर का माहौल कैसा है, क्या क्या चीजें वहां पे अचानक से क्रिएट हो सकती है, किस तरीके से फाइट करना है, इस चीज का उसको आइडिया नहीं लग पाएगा। सो दैट्स व्हाई आपको भी जब आपने थियोरी पढ़ ली, भाई थियोरी पढ़ने के बाद आपको जो कॉन्सेप्ट पता चल गया, लेकिन उस कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंटेशन कैसे होना है, फाइनली आपको किस किस तरीके से उसको परोसना है, ये नहीं पता चल पाएगा। सो दैट्स व्हाई जब आप रिवीजन करें ना, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी, जब ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते, कम से कम एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करें, बैक एक्सरसाइज और इसके अलावा इन टेक्स्ट के क्वेश्चन दोनों आपको पूरे पूरे करने हैं। अगर सारा का सारा अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो साइंस का आप थियोरेटिकली देख सकते हैं, अच्छा मेंटली कर लिया, हाँ ये इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा। मैथ्स में भी मेंटली कर ले, बस कैलकुलेशन वगैरह जो है थोड़ा सा सॉल्व करके देखें, क्योंकि मैथ्स जो है जब तक सॉल्व नहीं करते ना, हमें लगता है हाँ इसमें ये लगेगा, हो जाएगा, लेकिन जब एक्चुअल में सॉल्व करने जाते हैं तो आंसर गलत हो जाता है। सो मैथ्स में थोड़ा सा आपको पेन पेपर उठाना पड़ेगा, बट साइंस में आप चाहे तो सीधा थियोरेटिकली आप ऑरली कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपका ये रिवीजन हो जाए, मतलब ये चीजें हो जाए, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं वैसे उनके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चाहे तो आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर काफी अच्छी बुक है, एनसीईआरटी का एडवांस वर्जन है, आपका काफी सस्ते में मिल जाता है, ऑनलाइन भी आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाती है, सो उसको भी आप ले सकते हैं, वो भी काफी, उसको जब सॉल्व करेंगे तो 95+ स्कोर करना काफी आसान रहता है। उसमें एमसीक्यूज भी दे रखे हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बैक एक्सरसाइज में सैंपल पेपर्स भी दे रखे हैं, सो आप वो भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से अगर आप रिवीजन करेंगे तो आने वाले बोर्ड में छा जाओगे गुरु, कोई आपको रोक नहीं पाएगा फोड़ने से। सो दैट्स व्हाई तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। अगले बार आपको क्या चाहिए, आपको किन चीजों में दिक्कत आ रही है, कमेंट में जरूर बताया करिए और लाइव क्लासेस में पार्टिसिपेट करा करिए। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली सभा में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।